का पालन कराने तहसीलदार यूसुफ अली उतरे सड़क पर। बताते चले कि उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर बढ़ते संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जहां सूबे के मुख्यमंत्री ने रविवार को पूरे प्रदेश में कर्फ्यू की घोषणा की थी, लेकिन बात अगर खटीमा की करें तो खटीमा नगर में उत्तराखंड सरकार के कर्फ्यू का आम जनता पर असर नहीं दिख रहा है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान खटीमा नगर की दुकानें तो बंद नजर आ रही हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन आम जनता इसके बावजूद सड़कों पर आवागमन करते दिख रही है, जिसके चलते आम जनता से कर्फ्यू का पालन कराने के लिए खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली को खटीमा की सड़कों पर उतरना पड़ा। तहसीलदार यूसुफ अली ने जहां खटीमा के मुख्य चौक पर बेवजह घूम रहे लोगों को रोककर उनको कर्फ्यू पर बाहर निकलने के कारण पूछे, साथ ही कोई आवश्यक कार्य वालों को छोड़कर बाकी को तुरंत वापस उनके घरों को भेजा गया। इसके अलावा तहसीलदार ने खटीमा नगर में आवश्यक सेवा की दुकानों, मेडिकल स्टोर आदि दुकानदारों को समझाया कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोविड-19 के नियमों के हिसाब से दुकानों को संचालित करें। वहीं शाम को खटीमा बाजार चौकी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कर्फ्यू के दौरान आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की। वहीं तहसीलदार अली ने कहा कि कर्फ्यू में आवश्यक कार्य वालों को ही आवागमन की परमिशन है, लेकिन बेवजह घूमने वालों को रोक कर घरों को वापस भेज कर्फ्यू का पूर्ण पालन कराया जा रहा है। कोविड कर्फ्यू में जिनके पास पास है या जो बीमार हैं या जो अनुमति मिली है सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जा रहा, बाकी के लिए जो है कोई आवागमन के लिए नहीं, मतलब सबको रोका जा रहा है और कोई जो सख्ती की गई है कि कर्फ्यू के दौरान जो है कोई भी घर से ना निकले।